तो हमारी गाड़ी खाली होने लग चुकी है, लेकिन इस तरीके से कौन खाली करता है देखना। ऊपर से गठानों को ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कूड़ा है ये, देखना देखो ये बात। तो दोस्तों आज हमारे बड़े बेटे का जन्मदिन है, हम घर पे आए हुए थे तो इसको एंजॉय करके अब हम निकलेंगे अपने नोएडा के लिए। तो हम गाड़ी खाली करने आए थे, देखो हमारा यहाँ पर सेल्फ खराब हो गया है और पूरी तरह जल गया है। अब इसको मैंने खुद अपने हाथों से ही खोला है और अब इसको ले जा रहा हूँ मैं रिपेयरिंग के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आगरा यूपी से आपका स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम खड़े हैं ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में और यहाँ हम ग्वालियर का माल लेके आए थे। ये देख सकते हैं गाड़ी लोड है, माल में हम लेके आए थे गठान, गठान बोलते हैं सोलापुर से। गठान का मतलब होता है एक बड़ा कार्टून जिसमें अंदर तौलिए, टॉवल्स, गमछा वगैरह जो भी आता है वहाँ से। और सोलापुर का सब कुछ मशहूर है आपको पता है, जैसे मैट हो गया, बहुत सारी चीज़ मशहूर है। और एक पीछे ही एक अन्ना की गाड़ी खाली हो रही है, देख सकते हैं जूट की रस्सी रहती है ना, जो नारियल की रस्सी रहती है वो खाली कर रहा है। हम भी अभी जाएंगे, अभी 8 बज रहे हैं और 10 बजे की बोल रहा है खाली करने के लिए। यहाँ से भी 10 बजे खाली करके आपको दिखाते हैं क्या भाड़ा बनता है हमारा, क्या नहीं बनता है। देखो भाई जूट, रस्सी की जूट खाली हो रही है नारियल की। तो दोस्तों हमारी गाड़ी खाली होने लग चुकी है, देख सकते हैं। और ये ऊपर से इसको गिरा गिरा के कर रहे हैं क्योंकि हाइट ज़्यादा है और हल्का माल है तो अंदर डैमेज की कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो भाई इनका गोदाम, ये गोदाम है, इसमें पहले से भी गठान टाइप के पड़े हुए हैं, ये बड़े बड़े कार्टून होते हैं। ठीक है, अब ये इसको पहले खाली कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई हमारी गाड़ी खाली हो चुकी है, एक गठान रह गया है बस, देख सकते हैं। और फिर निकलते हैं भाई यहाँ से हम अपने आगरा के लिए। तो गाड़ी हो गई अपनी खाली, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से आगरा के लिए। आज मेरे बेटे का है जन्मदिन, देखते हैं घर पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, टाइम मिलता कि नहीं मिलता। और फरीदाबाद चल रहे हैं, पहले फरीदाबाद का माल है उसको खाली करेंगे, उसके बाद जाएंगे नोएडा। तो दोस्तों अपने आगरा पहुंच गए और ये नहा धो के आ गए घर से। तो आज है बच्चे का जन्मदिन, पहले पार्टी इंजॉय करेंगे उसके बाद में हम निकलेंगे अपनी राइड पे। दूसरा हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, प्लान में अब हमें पहले फरीदाबाद नहीं जाना, पहले हमें जाना नोएडा, क्योंकि ये आगे का जो ट्रांसफार्मर है ये थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए उनका फ़ोन आ गया है। तो रात को यहाँ से निकलेंगे तो आपको ज़रूर कन्फर्म करेंगे और थोड़ा सा बच्चे का जो पार्टी होगा वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो मिलते हैं फिर आपको बर्थडे में। तो दोस्तों हमारे घर पहुंचने से पहले देखो बच्चों ने कितना प्यारा घर सजा दिया है, ये आ गया डोरीमोन का केक। तो आज हमारा बड़ा बेटा हो गया पूरे 5 साल का। तो आप कमेंट में हमारे बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारे घर केक कटने से पहले होती है तिलक की रस्म, तो वो पूरी की जा रही है। और हमारा छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा फुदक रहा है, इसको लग रहा है मेरा बर्थडे है। तो आप फिर केक काटते हैं और केक काटते समय याद रखें कि हम मोमबत्ती वगैरह नहीं जलाते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो चलो फिर चलते हैं नोएडा की तरफ, अब चल रही है बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी को छोड़ कर चलते हैं नोएडा। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम पहुंच चुके हैं नोएडा। हम गए थे अलीगढ़ बाया दादरी होते हुए, हम नोएडा एक्सप्रेसवे से नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं जब सूरजपुर का माल होता है। तो दोस्तों ये कौन सा ब्रिज है नोएडा के अंदर, आप कभी गए हों या वहाँ के रहने वाले हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों फिर सुबह आपको मिलते हैं जहाँ हम गाड़ी को खाली करेंगे। पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन सेक्टर 120 नोएडा। ये अपनी बिल्डिंग बन रही है पीछे, इसमें वो ट्रांसफार्मर लगेगा। ये देखो ये हैड्रा आ चुकी है अभी और ये हैड्रा से उठा रहे हैं उसको, ट्रांसफार्मर को। दोस्तों ट्रांसफार्मर तो अपना उतर गया लेकिन एक हमारी पेटी डैमेज हो चुकी है, देख सकते हैं। ये क्रेन वाला ड्राइवर था, वो अकेला था और उसे बताने के चक्कर में ना तो मैं वीडियो बना पाया और ना इस पेटी को टूटने से बचा पाया। तो ये इस ट्रांसफार्मर को अभी अंदर रखने जा रहा है बिल्डिंग के अंदर, उसके बाद हम इससे पेटी आगे करवाएंगे अपनी। तो दोस्तों अपना ट्रांसफार्मर तो उतर गया आगे से, और जो 3-4 पेटी देख रहे हैं ना वो पीछे से आगे पहुंचाई है मैंने हैदराबाद वाले को बोलकर। बत्ते अभी हमने लगाए नहीं है क्योंकि वहाँ भी खुलने पड़ेंगे, ये बेल्ट से ही काम चला रहे हैं। अब यहाँ से हमें फरीदाबाद जाना है तो वो रात को ही जाना संभव है, अभी दिन में है नो एंट्री। तो फरीदाबाद के लिए भी दोस्तों यहाँ से सीधा रोड कोई है नहीं, या तो ज़्यादा शॉर्टकट चाहिए तो फिर दिल्ली एंटर करो, और दिल्ली एंटर करने के लिए 3200 रुपये का ग्रीन टैक्स लगता है, वो हमारे पास है नहीं और हमारी दिल्ली गाड़ी एंटर करेगी नहीं क्योंकि पुरानी गाड़ी है। और अब हमें यहाँ से उल्टा जाना पड़ेगा जेवर टप्पल, वहाँ से पलवल, पलवल से फिर फरीदाबाद। तो ये तो हमारे लिए बहुत उल्टा पड़ गया, अब ठीक है लेकिन जो भी है करना पड़ेगा। तो अभी हम फिर आपसे सुबह मिलते हैं जहाँ हम इस माल को खाली करेंगे। नो एंट्री खुलते ही दोस्तों पहुँच गए हैं फरीदाबाद और सुबह मिलेंगे आपको नई ऊर्जा के साथ। तो भाई पहुँच चुके हैं अपनी कंपनी पर, सामने देख सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत हो गई है, हमारा सेल अप काम करना छोड़ गया है। पिछले महीने पैसे लगाए थे 3000 रुपये, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ इसके अंदर। अब ये देखो सामने मैं रिंच पाना लेके खुद ही इसको खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई मिस्त्री नहीं है, ये खोल के फिर मुझे ओल्ड फरीदाबाद लेके जाना पड़ेगा, वहाँ से रिपेयर करा के फिर से कसना है। तो भाई पहले इसको खोल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों सेल्फ तो खोल लिया, आप इसकी ना एक बार कंडीशन चेक करो, पूरा जल गया है
अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ ओल्ड फरीदाबाद, वहीं पर इसको रिपेयर कराएंगे। तो दोस्तों हम रिपेयरिंग की दुकान पर आ चुके हैं, ये पूरा सेल्फ भैया ने खोल के डाल दिया है। अब इसमें खोला इसलिए है कि भैया बता रहे हैं कि इसको खोल के ही तो चेक करेंगे क्या क्या ख़राब हुआ है। तो इसकी ये सबसे पहले ये टर्बाइन ख़राब हो गई थी और ये कॉइल, और आप यकीन नहीं मानेंगे एक महीने पहले ही मैंने इसमें 2500 से 3000 रुपये लगाए थे, वो केवल इस प्लेट की वजह से, देखो ये प्लेट देख रहे हो ना, इसकी वजह से ख़राब हुआ है ये दोबारा। तो हम अब इसको ना फास्ट फॉरवर्डिंग पे वीडियो को लगा देते हैं जिससे आप बोर ना हो। तो भैया आप सेल्फ को हमारे को कस रहे हैं और कसने के बाद दोस्तों फिर चलते हैं इसको लेके, पहले इसको पर यहीं चेक कराएंगे हम, ठीक है ना। तो देखो हमारा सेल्फ पूरी तरह रेडी होने जा रहा है, तो रेडी हो गया ये देखो, पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब भैया कर रहे हैं हमारे चेक, तो आपको एक बार आवाज़ सुना देते हैं सेल्फ की, लगाना भैया तार लगाओ एक बार। तो अपनी गाड़ी पर आ गए, अब इसको सेल्फ को कस देता हूँ मैं। मिस्त्री ने तो केवल रिपेयर करके दिया है, मैं मुझे ही कसना पड़ेगा। कसने के बाद स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अपना सेल्फ कस गया, स्टार्ट कर ली, और कपड़े देख लीजिए एक बार, हालत देख लीजिए, पूरा पूरे कपड़े काले हो गए। और कोई नहीं, हमारा काम हो गया, हमारी गाड़ी में भी 2500 रुपये का खर्चा आ गया। और स्टार्ट करते ही इन लोगों ने बुला लिया अनलोडिंग के लिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे हो रही है। ये है फैक्ट्री, तो दोस्तों अपनी गाड़ी खाली हो चुकी देख सकते हैं, और मैं भी हाथ मुँह धो के आ गया, नहाने की जगह मिली नहीं थी। और अभी हमारा कोई भी प्रोग्राम क्लियर नहीं हुआ है, रात को 8 बजे होगा, तो आगे कहाँ भरने जाने वाले हैं अभी हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताया करो। कमेंट सेक्शन मेरा हर समय खुला रहता है, जो भी बात है आप क्लियर कर लिया करो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और दोस्तों थोड़ी सी सपोर्ट करो अपने भाई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्यारी सी बाय बाय।